इमरान को कहते हैं कि तेरे पास तीन दिन है कठपुतली, तीन दिन चले जाओ, खुद इस्तीफा दो और चले जाए। या अवाम पे भरोसा है तो असेंबली तोड़ो, हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा। बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है, हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फर्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहां पे पहुंचे। और क्रिकेट के दौरान भी अगर आप आते हैं, मैं तो कल भी कहा कि जितने लोग आपके साथ हैं एक कैबिन में पूरे आ गए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का कल का देख रहा था, चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। आपको 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं घूम गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ या पंजाब की हुकूमत में के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएगी, हमारे तो गले सूख गए हैं कहते कहते कि अगले 24 घंटे में लेके आ जाए गवर्नमेंट अपने। हम बिल्कुल यहाँ पे मजबूत फ्री है इमरान खान की क्यादत में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब समा टीवी पे और मैं हूँ इमरान खान। सिचुएशन आपके सामने है, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च चल रहा है। पेशावर के धमाके के बाद ये क्लेम किया गया हुकूमत की जानिब से, एक तो ये फेलियर था और ये हम खुलकर कह रहे हैं, कल भी कहा आज भी कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज का, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का, पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी इदारों का, ये उनका फेलियर है जब इतना बड़ा वाकया हो जाता है। तो इस फेलियर से पहले भी बहुत सारे इस तरह के फेलियर्स हुए हैं, बहुत सारे वाकयात इन लोगों ने रोके भी हैं, और इस किस्म का जब वाकया हो जाता है तो उंगलियां उठती हैं, सवालात उठाए जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वाकया तो हो गया लेकिन हमने इसकी जड़ तक पहुंच गए हैं, हमें पता चल गया कि कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन इसके पीछे है। दाइश ने बताया इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और ये एक बैन अल-अक़वामी तंजीम है दहशतगर्दी की। दाइश ये अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी करती है, दुनिया के और मुल्कों में भी करती है और पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर मुलव्वस रही है। बहरहाल कुछ नादरा से भी डाटा इकट्ठा हुआ जो बैरिस्टर सैफ बता रहे थे और वहाँ से भी पहचान हुई है और अब हुकूमत एक नए ऑपरेशन की तरफ फोर्सेस जा रही हैं और वो इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज रखे और पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान के इदारों को और हुकूमत को पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस दहशतगर्दी से बाहर निकले हैं, हमने इसकी कीमत चुकाई है, दोबारा इसके अंदर फंसना नहीं चाहिए, हर हाल में इसमें से निकलना चाहिए। दूसरा जो अपोजिशन की अदम एतमाद का मामला है वो भी चल रहा है और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एक लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च का मोमेंटम जो है वो उकाड़ा पहुंचकर कुछ बेहतर हुआ, वहाँ पे लोगों का जो इज्तमा था वो पहले से बेहतर था और लाहौर पहुंचने के बाद तवक्को की जा रही है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ा जलसा कर पाएगी। पीपल्स पार्टी नासिरबाग में कर सकती थी, नासिरबाग में चंद हज़ार से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वहाँ पर पंजाब हुकूमत ने उनको मीनार पाकिस्तान ऑफर कर दिया है। तो मीनार पाकिस्तान को तो भरना एक पोलिटिकल पार्टी के लिए बहुत, किसी भी पोलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान को भर पाएगी और वहाँ जाना पसंद करेगी? दीगर कुछ चीज़ें उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवाते हैं ताकि बातचीत आगे बढ़े। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कंवल शोज़ब साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमें कादर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं और कैसर शेख साहब वो भी मेंबर कौमी असम्बली हैं और ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं कादर खान मंदोखेल साहब, आपके काफिले की अब सिचुएशन क्या है? और बिलावल ने कहा कि तीन दिन बाकी रह गए हैं, तो उन तीन दिनों के बाद आप लोग क्या करने जा रहे हैं? और लॉन्ग मार्च यानी अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं देते तीन दिनों में, देन व्हाट, फिर आप क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आज सातवां रोज भी मुकम्मल हो गया है जहाँ कराची से हम रवाना हुए हैं और इस वक्त बिलावल साहब के काफिले के साथ हम रवाना है और बतूत की क्रॉस कर चुके हैं, लाहौर की तरफ पहुंच रहे हैं। और यकीनन ये लॉन्ग मार्च जैसा पूरे पाकिस्तानियों को आपको पता है कि हुकूमत की महंगाई और खर्चा दाखला माशी में शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इन सारी फेलियर के बाद यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने एक अलम बुलंद किए है और पाकिस्तानी आवाम को जो इस नाजायज और हुकूमत के मकरू चेहरे को दिखाने के लिए, और आज जिस तरह हम सोच रहे थे कि हमारे सिंध तो हुकूमत है ही है, जनूबी पंजाब में थोड़ा कमज़ोर होगा और सेंट्रल पंजाब में और कमज़ोर होगा। आप यकीन करेंगे, आपका कैमरा मैन माकी दिखा रहा है कि सिंध से ज़्यादा हमारा जनूबी पंजाब था, जनूबी पंजाब से ज़्यादा हमारा साहिवाल का और अभी वो काड़ा का
गो कि एक प्रोग्राम था मगर तीन प्रोग्राम बिलावल साहब को करने पड़े यहाँ पे, क्योंकि पूरे जमे गफ्फिर आवाम आई है और पूरा जो ना आगे पीछे रोड चौक सब ब्लॉक थे और सब आवाम उस थे। तो यकीनन दूसरा सवाल आपका है कि ये एक आवाम के सामने ये चीज़ें रखने की हुकूमत का, और दूसरा जो ना अदम एतमाद का। इमरान खान साहब आपको पता है कि हमारे पास यानी अपोजिशन के पास 162 अरकान मौजूद है और 172 हमने टच करना है अगर फुल फ्लेज असेंबली की बात हुई तो, मैं सब की तादाद की बात करूँ। अब हमें सिर्फ 10 अरकान दरकार है। अब 10 अरकान में मुख्तसरन आपको ये डेटा बता दूँ कि जहाँ काफिली के पास 5 है और वो दावा करे हमारे साथ 10 मेंबरान मौजूद है, जहाँ परवेज खटक साहब भी अपने 7 अरकान जो है ना वो शो करके कि मेरे साथ 7 हो गए, जहांगीर तरीन साहब आपके सामने पहले वो 32 पंजाब असम्बली को और 8 कौमी असम्बली को शो कर चुके हैं, और उसके अलावा MQM के 7, उसके अलावा GDA, उसके अलावा जो है ना बाप पार्टी पहले ही बाइकआउट कर चुकी है सेनेट से और कौमी असम्बली से हुकूमत के खिलाफ, और फिर हुकूमत के अपने जो मेंबरान हैं वो सबका नाम आपको पता है कि वो किस तरह तंकीद कर रहे हैं और किस तरह हुकूमत से बेजार है। नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता सर, आप बता दें सर, अगर आपको पता आप बता दें, मुझे पता होता मैं रोला डाल देता, सबको बता देता। जी जी जी, सबसे पहले तो परवेज खटक साहब जिसने काबिना के इजलास के अंदर इमरान याजी साहब को सुनाया था कि आपको हमने बनाया था, और आज उन्हें ऐलान कर दिया कि मेरे साथ 7 अरकान है, बजाय तो उसने ये कहा कि मेरे साथ अपोजिशन के है मगर एक ग्रुप तो शो कर दिया है। दूसरा नूर आलम खान साहब का जिसने असेंबली के सामने यूसुफ, नहीं एक मिनट एक मिनट, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अपोजिशन के 5 अरकान है, आप कह रहे हैं कि वो उनके पास हुकूमत के 5 अरकान, यानी कुछ समझ नहीं आ रही। परवेज खटक ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे पास हुकूमत के बंदे हैं और मैं हुकूमत के खिलाफ जाऊंगा। चलो इमरान खान साहब, मैं आपकी जो अंदाज है उसी तरह मैं जवाब दे देता हूँ। उसने ऐसा ऐसे क्या नौबत पड़ी कि उसने बोला मेरे पास है, ऐसा क्यों नहीं कहा कि PTI के पास है? तो उसका मतलब वो अलग धड़ा लेके बैठा हुआ है। आपकी बात जवाब करो, चाहे ओपोजिशन की हुकूमत की जो भी है, वो ये कह रहे मेरे पास है, वो ये कह रहे इमरान खान साहब के पास है, वो ये बोलता है। तो सवाल ये कि वो धड़ा लेके बैठा हुआ है। फिर उसके बाद नूर आलम खान साहब का ये कंकण शोजा साहिबा और दूसरे साहब भी बैठे हुए थे असम्बली में, उसने कहा आगे की 3 लाइन अगर ACL में नाम डाला जाए, अपनी प्राइम मिनिस्टर वजीरों की लाइन का बता रहा था, तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी उसके बयानात है, और अफजल नजीर चंद साहब का कल परसों एक सर, सर, एक सवाल है। मैं अगर इमरान खान साहब अगर इमरान खान साहब इस्तीफा नहीं देते 3 दिन के बाद, तो फिर आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, यही अगली स्ट्रेटजी है या कुछ है आपके दिमाग में? कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल हम हमारी 50 साल तारीख है और जमहूरी अंदाज में हम सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आज भी अगर 7वां रोज मुकम्मल हो गया, हम सड़कों पे हैं पूरा चालों के साथ, पूरा हजारों की तादाद में गाड़ियों के साथ और आपकी कैमरे की आंख दिखा रहा है सब कुछ पाकिस्तान को। तो ये सारी चीज़ें है और हमारे यही एक हुकूमत का जो मकरू चेहरा है वो आवाम के सामने लाना, और प्लस अदम एतमाद की तहरीक जैसे मेरे सदर आसिफ परवेज़दारी साहब को टास्क मिल चुका है, और उन्हें सिर्फ 10 अरकान पूरे करना है। आपको मैंने पूरा एक तभी बांध लिया, तो ये क्या 10 से डबल ट्रिपल हमारे पास नहीं हो जाएंगे? और यही हमारा सर, मुझे एक मिनट एक सेकंड सर काफ लीग के मिनिस्टर्स इस वक्त भी ऐसा लगता है हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही, तो कम से कम मिनिस्टर्स तो अलग हो जाते। MQM के मिनिस्टर्स भी हुकूमत में है जी है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी हैं, बल्कि उनको एक मिनिस्ट्री और मिलने वाली है। सर कम से कम आपके अगर 7 खड़े थे तो अपने ऐतराज के तौर पे मिनिस्ट्रियां ही छोड़ देते। वो कह रहे हैं अपने मुंह से कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं नहीं वो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा, हो सकता है मैं समझाने में कासर हूं आपको समझाने में। जब वो काफ लीग का स्पीकर पंजाब असेंबली मौजूद है, जब उनका वजीर कैबिनेट में मौजूद है, उनको ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि हमने अभी हिमायत का ऐलान नहीं किया? भाई आप तो है हुकूमत का हिस्सा, हिमायत क्या होती है? नंबर एक बात, नहीं नहीं चौधरी परवेज़लाई की बात करें और मोहनस इलाही की बात करें और चौधरी शुजात की बात करें, वुजरा की देखें, जो एक्चुअली फैसला करना है वो तो चौधरी खानदान ने करना है ना, और वो तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम अपनी वफादारियां नहीं बदलते, हम अपना वादा पूरा करेंगे और हम कोई छोड़ के नहीं भाग रहे, तरीके अदम एतमाद का कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है। आपको 2-3 दिन पहले मेरे साथ सना बुच्चा वाले शो में, जहाँ काफली का कोई नुमाइंदा मौजूद भी नहीं था, और एंकर साहिबा ने तफसील बांध दी है कि काफली हुकूमत का ऐलान किया है, तो
तो वो चीमा साहब ने बकायदा टेलीफोन करके और शो में इंटर हुआ और उन्होंने कहा नहीं जी कोई हमने ऐलान नहीं किया, ना हमने ये ऐलान किया कि हम हुकूमत का साथ देंगे, ना हमने ये ऐलान किया हम अपोजिशन का साथ देंगे, बल्कि हमारी पार्टी ने परवेज इलाही साहब को इख्तियार दिया कि वो जब चाहे करे। इस बात का क्या मकसद है? इमरान खान साहब आप सीनियर जर्नलिस्ट है भाई, वो आप अच्छा बिलावल कह रहे हैं कि सर एक चीज और बता दें, सिर्फ फाइनली एक चीज बता दें, बिलावल कह रहे हैं कि आसिफ अली के ये फैसला कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना दें, क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनको वजीर आला पंजाब बनाया जाए इस सौदे के नतीजे में? सिंपल सा सवाल है इमरान खान साहब, सिंपल सा सवाल ये कि चौधरी परवेज इलाही के पास पंजाब से मौजूद है, आप यकीनन आप उसे बेहतर ऑप्शन दोगे तो आपके पास आएंगे। अगर आप उसको बोलेंगे मैं आपको डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर बनाऊंगा पंजाब असेंबली, यकीनन नहीं आएंगे। मिसाल चलो मैं किसी जर्नलिस्ट की बात करूं, अगर वो किसी टीवी चैनल में 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे और अगला उसको बोले मैं आपको 80,000 तो नहीं देगा, यकीनन 1.5 लाख 2 लाख कोई देगा तो उसको जाएगा। तो इसी तरह काफी की पोजिशन है जो उसके पास आ, लेकिन वो ये ऐसा करेगा कि एक प्रोग्राम करने के लिए नहीं जाएगा सर, या एक महीना प्रोग्राम करने के लिए नहीं जाएगा, वो ये कहेगा लंबे अरसे तक मुझे वहां प्रोग्राम करना है। आप लोग तो फौरन नया इलेक्शन करवाना चाहती है नून लीग, तो परवेज इलाही एक महीने के लिए वजीर आला पंजाब बन के राजी हो जाएंगे? देखिये परवेज इलाही साहब अगर एक महीने के लिए क्यों चीज होती है, अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो साल बाकी है, और अगर ये बात सर रुकिए अब यहां रुक जाए सर अब यहां रुक जाए अब यहां रुक जाए मैं अब यहां रुक जाए सर, काफी बात होगी आपके साथ। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि परवेज इलाही साहब को बेहतर ओहदा पेशकश करना पड़ेगा और वो वजीर आला पंजाब का ओहदा है, लेकिन उसके लिए वो तभी राजी होंगे जब वो 1.5 साल तक रहेगा, जबकि पीडीएम की बाकी सारी जमातें कहती हैं फौरन नए इलेक्शन करवाओ। यहीं पे बुनियादी इख्तलाफ पैदा हो जाता है। कैसर शेख साहब मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आप यहां से आगे बढ़िए कि पीएमएलएन चाहती है फौरन इलेक्शन हो, वो तो नहीं चाहते कि इस हुकूमत का बोझ वो अपने कंधों पर उतार लें उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान बड़ी दिलचस्प बातचीत हो रही है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पीएमएलएन ये चाहती है कि फौरी तौर पे जो लोगों के मसाइल हैं उनका कोई हल निकाला जाए, फौरी तौर पे इस हकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए और इलेक्शन जितना जल्द हो सके, क्योंकि मैंडेट लेकर ही जो डिसीजंस हैं वो हो सकते हैं, जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करने हैं वो कोई जो सही मैंडेट लेकर आएगा दोबारा इलेक्ट होके वो कर सकेगा। अगर हैपहज़र्ड तरीके से मुख्तलिफ पार्टियों का होगा हुकूमत होगी तो वो शायद इतने अच्छे डिसीजन नहीं ले सके। मैं इमरान खान, क्योंकि आप बड़े दिलचस्पी इसमें रखते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपको पता है मैं पिछले 30 साल से चनियोट से सियासत कर रहा हूं, मैंने 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए, 6 जो वस्ती पंजाब के सेंट्रल पंजाब के 6 ज़िले हैं मियांवाली, भक्खर, खुशाब, छंग, चनियोट और हाफजाबाद, इसमें सिर्फ वाइस सीट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, और मैं कराची में रहता हूं, यहाँ पे मेरी फैमिली 46 से बिजनेस कर रही है और एमक्यूएम के साथ हमारे बड़े, मैंने वैसे आपके हलके में दौरा किया है, आप शायद अगली दफा भी जीत जाएंगे जो सिचुएशन मुझे वहां पता चली है, वैसे मैं बता रहा हूं कि मैं वहां गया था। फजल है लोग जी आपका शुक्रिया, लोग बिल्कुल मेरे से मोहब्बत करते हैं और मैं इंडिपेंडेंट भी वहाँ इलेक्शन अगर लड़ा तो वो भी जीता हूँ। बहरहाल मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ कि मैं करीब हूँ उन लोगों के, वो लोग जो गए थे ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हमारा इलाका इस वक्त बड़ी भरपूर तरीके से पीएमएलएन के साथ है और मियां नवाज शरीफ साहब की वो जो क़यादत है ना उसको एतमाद कर रहा है। और फिर दूसरी बात जो मैं, इसलिए लोग आना चाह रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, पीटीआई के वो लोग समझते हैं जो हमारे यहाँ से गए थे कि हम अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर नहीं जीत सकते, तो हमारे साथ रबते में हैं। और मैं आपको उससे बड़ी बात ये करना चाह रहा हूँ कि कराची में जो एमक्यूएम की सूरत हाल है, मैं उनसे भी रबते में हूँ और मेरी सर ये प्रॉब्लम नहीं है, सर ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसके इलेक्शन आप कहते हैं फौरी तौर पे नया इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान में, फ्रेश मैंडेट आ जाए, उसके लिए आपको परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब बनाना पड़ेगा अगर तो तरीके दम एतमाद लानी है तो, और वजीर आला पंजाब बन के वो तो नया इलेक्शन नहीं होने देंगे, वो कहेंगे 1.5 साल अब मेरे बतौर वजीर आला पूरे करवाओ, तो यहां आके बात फंस जाती है ना सर। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि टेन्योर पूरा, आप ये इंपॉर्टेंट बात है, पीपल पार्टी वाले वो भी कह रहे हैं कि वो क्यों को पंजाब दे दें, लेकिन देखिए 7 सीटें हैं उनके पास, हमारी भरपूर वहाँ पे अक्सरियत है, इवन पीटीआई से भी ज़्यादा हमारे मेंबरान हैं पंजाब की सूबाई जो इलेक्शन में, तो ये नहीं मुमकिन है, हमारे मेंबर्स भी तो नहीं चाहेंगे ना, किस तरह तो आप चाहते हैं कि परवेज इलाही सवाब समझ के आपका साथ दे दें, उनको सियासी तौर पर मिले कुछ ना? नहीं नहीं
नहीं वो अपने लिए नहीं, अगला साल डेढ़ साल बाद तो अगला इलेक्शन है ना, उन्होंने अवाम में जाना है। सर, MQM ने भी अवाम में जाना है। आपके साथ तो इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ नहीं सकती, वहां पे तो उनका आपका और उनका तो कांटे का मुकाबला है आपस में काफली के साथ। हर जगह पे जहां से काफली जीती है वहां पे आपका उम्मीदवार तगड़ा उनके मुकाबले में। नहीं नहीं, हम सीट एडजस्टमेंट का तो सोच सकते हैं ना, उनसे भी सीट एडजस्टमेंट का सोच सकते हैं अगर वो हमारे सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको असल बताऊं, मैं अपनी पार्टियों से भी कहूंगा, क्योंकि PMLN जो है वो MQM से अगर मैं समझता हूँ कि हमें रابطہ करना चाहिए। पीपल यहाँ जो MQM की सूरत हाल है, मेरा उनसे रابطہ भी है। और जो कराची के हालात हैं, जो क्योंकि यहाँ पर मुतवस्त तबका सबसे ज़्यादा कराची में करोड़ों लोग रहते हैं, जो सैलरी है। इमरान खान साहब ने भी कराची का दौरा करना है, लेकिन जी सर इमरान खान साहब ने भी कराची का दौरा करना है अभी। करें नदीम अफजल चंद साहब लाहौर जब काफिला पहुंचेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो वो पीपल्स पार्टी को वापस ज्वाइन कर लेंगे और मुख्तारा भी उनके साथ जा रहा है वापस। मुझे मुख्तारा को मैं अल मिस हूं, मुझे उसके जाने का बहुत दुख हो रहा है। बाकी नदीम अफजल चंद साहब को विश हिम गुड लक, अल्लाह करे उनकी सियासत चले। नहीं लेकिन उन्होंने अब आपकी पार्टी के पोल खोल दें, वो वजीर आजम के तर्जमान भी रहे हैं और वो अब हर बात बताएंगे जाके कि जनाब ये इन्होंने किया है। देखिए जी, हमारे पास हिस्ट्री में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पे बहुत सारा कुछ बोला, उसके बाद फिर जो उनके साथ होता है वो भी आपको पता है। तो ये अगर ब्लैकमेलिंग अगर सियासत करनी है तो बिस्मिल्लाह, उसमें तो कोई मुजायका नहीं है, वो तो उनकी अपना, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस ऐसा उनका जर। आज प्राइम मिनिस्टर ने चैलेंज दिया, उन्होंने कहा ले आओ तहरीक आदम एतमाद, यानी इससे पहले उन्होंने ऐसे चैलेंज नहीं दिया था, अब ये चैलेंज क्यों दे रहे हैं, रीजन क्या है? और आज तो वो भी यानी सारे ही ऐसा लगता है दलेर हुए। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी 48 घंटे में आपने लानी थी, 72 घंटे हो गए, किधर आपकी तरीके तो एतमाद? तो क्यों, ऐसा क्या किया आप लोगों ने इन तीन दिनों में, दो दिनों में, कि अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस ऊपर चढ़ा गया है? अच्छा मैं अब जरा दोनों को अगर आप इजाजत देंगे जी, आप रिस्पॉन्ड कर दें और जवाब भी दे दें। और बड़े तसल्ली से मैंने सारी कथा सुनी है, खासतौर पर कादर मंदोखेल साहब की। देखिए सारा लुबे लुबाब इनके जो वो जरदारी, छोटे जरदारी साहब चले हुए हैं सिंध से, एक अपनी पूरी हुकूमत के रिसोर्सेज लगा के एम्बुलेंसेज लेके वहाँ बेचारे तो खोता गाड़ियों पे ही लोग लाशें लेकर आ जा रहे हैं, ये एम्बुलेंसेज और हुकूमती जराए के साथ अपनी इलाके में रैलियाँ निकालते हुए पहुँच गए हैं। चले अच्छी बात है, वेलकम। अच्छा इंटरेस्टिंगली अब स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, 48 घंटे हुकूमत को मिल रहे हैं, उधर से कह रहे 5 दिन दे रहा हूँ यानी 120 घंटे, उधर ही खुर्शीद शाह साहब ने कहा 72 घंटे दे रहा हूँ, जो इनके रुए रवा हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो कमर में दर्द हो गया, मेरी तो पेशी लगी हुई थी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो उनकी तो अक्सर घुटने में दर्द। इस दफा पेट दर्द था, उन्होंने पेट दर्द का बताया इस दफा। अच्छा वो फिर कोई नया होगा, असल में पेट दर्द की भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ, क्योंकि वजीर आजम ने इतना जबरदस्त पैकेज दिया है, उसके बाद ऑपोजिशन को होगी बड़ी शदीद वाली बदहजमी और कुछ को गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब और चंद एंकर हजरात भी शामिल हैं, तो वो फिर इस किस्म के जो हैं वो बदहजमी में बयान दे रहे हैं, तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब के भी पेट में दर्द होनी थी। अच्छा आप कुछ थोड़ा सा रियलिटी पे बात कर लेते हैं। पहले तो मैं मीनारे पाकिस्तान का जो जलसा बिलावल साहब करने जा रहे हैं उनको गुड लक कर रही हूँ, अल्लाह करे कि जिस तरह वो आरिया पार वाला जलसा था जिसमें जिन्नात की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की थी, इस दफ़ा कोई इंसान भी हमें दिखा सकें। दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा कि ये कठपुतली हुकूमत है, मैं यहाँ पे ज़रूर ये आपको एक्टिविटी जो चल रही है और मेरे ख्याल में उस पर जो जीरक लोग हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले हैं वो इसको ज़रूर नोटिस करते हैं कि जो इस वक्त एक यूक्रेन का और रशिया का मामला हुआ है उसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ जा रही है। थोड़ा सा आपसे ज़्यादा तहकीकात को कौन करता होगा, ज़रा याद कर लें कि हुसैन हकानी एम्बेसडर होता था अमरीका में और ठप्पों पे ठप्पे लगा लगा के उसने CIA के सारे एजेंट इस मुल्क में भेजे थे, उस वक्त इनके सरदारी जो हैं वो मुल्क के ऊपर सिलेक्टेड हुक्मरान थे और उन्होंने आगे अपने कठपुतली वजीर आजम रखे होते थे, और उस वक्त जब ओबामा की हुकूमत थी और यहाँ से ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ जो पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगा के किया गया, उसके बाद इनके जो कठपुतली प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने एक आर्टिकल पहले लिख दिया हुआ था जो 2 मई 2011 को पब्लिश हुआ। और आज इसको गूगल करें, ब्रेक के बाद मैं कहता हूं आप यही जुमले करें गवर्नमेंट इंडोसेस द वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट ओबामा एंड अप्रिशिएट्स द क्रेडिट ही गेव अस संडे नाइट फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन इन खैबर पख्तूनख्वा। इसको कहते हैं कठपुतली हुकूमतें, ये नहीं होती हैं जो आगे से एब्सोल्युटली नॉट कहती हैं। ड्रोन अटैक्स होते थे तो यूसुफ रजा गिलानी कहते थे मेरी आंखें बंद है, मारो मारो जितना मारना है। एक ब्रेक लेनी है, लेकिन पाकिस्तान ने पहली दफा जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उनको वापस खत लिखा
और उन सबको कहा कि ये तरीका सफारती आदाब के खिलाफ है कि आप हमें बताएं कि हमने क्या करना है। यानी उन्होंने जो एक मुरासला लिखा था 23 मुल्कों ने मिलकर पाकिस्तान को दबाने के लिए कि रशिया के बारे में ये जुबान इस्तेमाल करें, उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। ये पहले ऐसा नहीं हुआ। ब्रेक वापस आते हुए बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कमल शौदा साहब, आप ले गई इसको फॉरेन इश्यूज की तरफ और खारजी मामला की तरफ, उस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन जो अभी बात हो रही है वो ये कि आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे मिला, आपके नंबर्स क्या पूरे हो गए या आपने सारा रिव्यू कर लिया कि अपोजिशन वाकई तरीके से एतमाद कामयाब नहीं कर सकती, अब आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं इस मौके पर? अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इनके एनालिसिस में भी यही बात आनी है कि जी वो परवेज़ खट्टक साहब जो है ना जी, वो अपना कहते हैं, वो पार्टी नहीं कह रहे, वो जी वो अगर MQM हमारे काबू आ गई तो फिर हमारा काम सीधा हो जाएगा, चौधरियों को अगर हमने मना लिया ना, अगर हमने ये कर लिया तो होगा। नूर आलम खान ने एक तकरीर पार्टी के अगेंस्ट कर दी थी, भाई जमहूरियत है हमारे, हम उस तरह से लटकाते नहीं हैं लोगों को, हमारे यहाँ जिसने तनकीद करनी होती खुल के करता है, अगर तुम साढ़े ते ही रहना तो फिर शुक्रिया ही समझिए, ऐसी फिर तो ना ही समझे ना। इन्होंने कितने दिन से बड़े बड़े बयान आते हैं, आप लोगों ने एक्सरसाइज क्या की? मैं आपको बताती हूँ ना जी, देखें एहसन इकबाल का, शाहिद खाकान अब्बासी का, राणा सनाउल्ला का, क्या उल्ला का क्या आ रहा है, 20 से 25 MLA हमारे पास आ गए हैं, लेकिन एक बंदा भी इनमें से जुरत नहीं कर रहा है कि जाके तहरीके अदम एतमाद डाले। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी जिसके अपने 6 मेंबरान डगमगाए हुए MPAs हैं पंजाब के और एक उनकी रिजर्व सीट है, वो पूरा पंजाब का फैसले करना चाह रहे हैं, लेकिन मंगल को शायद वो ये करने जा रहे हैं। अच्छा कर लें, मैं आपको एक और रेफरेंस दे दूं, आज जो है वो 5 तारीख है, 3 मार्च 2021 को एक इलेक्शन हुआ सेनेट का, मैं वहां मौजूद थी क्योंकि वही सीट पर मैं उससे 1 साल पहले इलेक्शन लड़ चुकी थी, 2 साल पहले मैंने ही अपनी पार्टी से वो 3 मार्च का इलेक्शन पहली दफा लड़ा था, मैं वहां अंदर की मैकेनिक सारी देख रही थी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को और बाकियों को PDM का नाम लगा के लगी हुई ताजी गंडेरियों की तरह चूसा, इनसे वोट लिए, अपना बंदा इलेक्ट करवाया जिसको कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी, पैसा लगा के, जमीरों की मंडियां लगा के। आज तक आप देख लें कि दो ग्रुप्स बैठते हैं असेंबली में, सेनेट में, ऊपर जो यूसुफ रजा गिलानी है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और इनके जो दूसरे ताड़ड़ साहब हैं नज़ीर ताड़ड़ साहब, वो इनका ग्रुप लेके अलग बैठते हैं। आपस में तो इनका कॉन्फिडेंस है नहीं, इनके सारों के नजरिया मुकमका और नजरिया करप्शन के तहत इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, लाइन और लेंथ फ़र्क है, डीजल और फ्यूल फ़र्क है, चलने की स्पीडें फ़र्क है, कोई 48 घंटे बता रहा है, कोई 72 घंटे, कोई 5 दिन बता रहा है। बाय द वे 8 मार्च को जो औरत मार्च होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी उसमें शमूलियत करेगी, नहीं नहीं पीपल्स पार्टी का अपना लॉन्ग मार्च है, खवातीन का अपना औरत मार्च है। अच्छा मैं तो समझी दोनों का एक ही जगह, नहीं नहीं उनका अलग अलग। तो उसके बाद जो हालात होंगे, तो मेरा ख्याल है इस तरह बिलावल को कहें कि जो वो बच्चे खेल में पीछे रह जाते हैं ना दौड़ में, और बड़ा बच्चा उनसे पकड़ा नहीं जाता और वो बैठ के रोना शुरू कर देते हैं, आउट हो जाओ नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगा, इस तरह की तकरीरें ना किया करें। उनकी जो पीछे उस्तानियाँ खड़ी होती हैं उनसे कहें कोई अच्छा स्क्रिप्ट लिख के दें, उनको कोई बेहतर स्क्रिप्ट लिख के दें, चीख चीख के बेचारा वैसे ही गला अपना हल्कान कर लेता है और कोई उसके अंदर सब्सटेंस नहीं होता, लोग म्यूट कर देते हैं जैसे वो बोलना शुरू करते हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह हमें तड़ियां ना लगाएं, उसके कहने पे वजीर आजम अगले 500 साल भी इस्तीफा नहीं देने वाले, कुछ और करना थे करो, और हमारे पे ना बैठे अपने मेंबर इकट्ठे करें। इमरान साहब एक चीज और सुन लो, 162 ये समझ रहे हैं ना कि इनके पास है 162 और इसके ऊपर इनको 10 और चाहिए, ये समझते ही रह जाएंगे कि 162 है। इस मुल्क की तारीख भी पढ़ लें 1989 की, ये सवाल तो है वैसे, कादर मुंतज़िर साहब अगर ये 162 आपके पास होते तो कम से कम जब अहम तरीन बिल आते हैं कौमी असेंबली में आप कभी तो अपने आप को प्रूफ करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं बंदे आप गायब होते हैं। हमेशा आपके बंदे गायब हो जाते हैं, आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि हुकूमत ने सेनेट में भी अकलियत होने के बावजूद हमेशा अपने बिल मंजूर करवा लिए हैं कामयाबी के साथ, तो कैसे आप तरीके तो एतमाद कैसे सर, जब इतनी बाकी चीजों के ऊपर आपको शिकस्त हो जाती है तो इतनी अहम चीज के ऊपर आप कैसे जीत जाएंगे? इमरान खान साहब, पहली बात तो ये कि कौमी असम्बली में और सेनेट में अभी कर्न शौजफ साहबा या आपके मीडिया इस बात का गवाह है, जब मैंने जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से पिता है तो बिल के हक में 117 और उसकी मुखालफत में 104 वोट आ गए, तो अपोजिशन ज्यादा थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम कौमी असम्बली में ज्यादा, इस वजह से उस दिन इमरान कम थे हमारे ज्यादा थे। इस तरह सेनेट में जो जुमे के दिन यूजली जो ना वो कोरम पूरा पॉइंट आउट हो जाता है और नहीं है, और इन्हें चालाकी की है उस दिन जो है ना वो फोक भी था, ये सारा सिलसिला था,
मोहतरमा अपनी बारी का इंतजार करें, ठीक है। बाकी जो बात उन्होंने की उस्तानी की, तो जरा इमरान साहब को भी अपनी उस्तानी ये बता दी कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, आपको घबराने का वक्त आ गया। और अगर आप नहीं घबराए, 3.5 साल से जिस तरह आप ड्रामाबाजी कर रहे थे, ओगरा ने रिपोर्ट भेजा आलवी मंडी में पेट्रोल ज्यादा हो गया फलाना, आज क्या हो गया, आज भी ओगरा ने रिपोर्ट भेजा 8 रुपए बढ़ाने की, आज भी आलमी मंडी में 170 रुपए, मैं टीवी क्योंकि नहीं देख सकता थोड़ा बहुत मुझे पता चला 170 रुपए क्रॉस कर चुका है। तो फिर क्या बात हो गई, आपने वो पेट्रोल 10 रुपए कम कर दिए, आपको घबरा गए आप बिलावल भुट्टो आप क्या चाहते हैं बढ़ा दे? नहीं नहीं मैं पहले आप मुतालबा करते थे कम करो, आप कहते हैं बढ़ा दो। सुन ले इमरान साहब, मेरी बात को दूसरी तरफ ना ले जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओगरा का और आलमी मंडी का जो सारा लेते थे झूठ बोल के 3.5 साल से, और फिर कौम के खिताब के वक्त भी उसने कहा भाई पेट्रोल तो महंगा होगा आलमी मंडी में, आज क्या हो गया, आज आलमी मंडी में पेट्रोल कम हो गया, आज ओगरा ने रिपोर्ट नहीं भेजा। और फिर ये ओगरा वाला ड्रामा भी इनके दौर में आया, पहले था महीने महीने का, अब 15 दिन पहले जिसने पेट्रोल 12 रुपए बढ़ाया और आलमी मंडी में मजीद बढ़ गया। सर बताएं बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए? तो अपने नंबर्स का बताएं ना, आप लोगों ने तो बड़े अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढे, नंबर बताएं पूरे। सर ये तो फिर आपकी बड़ी कामयाबी है कि आप लोगों ने लॉन्ग मार्च निकाला और इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता कर दिया। हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही लड़ते रहे और कौम को फायदा देते रहे। हो सकता है 20 रुपए और कम कर दें, आप नंबर बताएं इमरान साहब, अगर मोहतरमा को आप खामोश करा दे तो मैं बोल सकूं, नहीं तो चुप जाता हूँ। सोशल मीडिया पे तो लोग तो बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया बिलावल भुट्टो आपने पेट्रोल सस्ता कराए प्रेशर डाल के। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा 3.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख ली, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, ये हर वक्त यही रोना रोते थे ये तो होगा हलवी मंडी में, क्या कर सकता हूँ, आज क्या हो गया। अच्छा फिर इसी होता है जब पेट्रोल सस्ता हो गया या आलमी मंडी महंगा हो गया तो बिजली तो मजीद महंगी होनी चाहिए, तो 5 रुपए कैसे कम हो गई। और अगर 3.5 साल में जो ये बढ़ाने पब्लिक प्रेशर ले लिया, इसका मतलब ये है कि इसका घबराने का वक्त आ गया है। उस्तानी ने उनको बता दिया कि अभी तुम घबरा जाओ, बिस्तर गोल करो, बर्तानिया पाक, ये अब इनका टाइम हो गया। और दूसरी बात ये, आप जरा सा सबर करें, हमारा लॉन्ग मार्च अभी लाहौर पहुंचने वाला है और 8 तारीख को हम इस्लामाबाद में इंटर हो रहे हैं, तो अभी से आप घबरा गए और हमारे आदाद शुमार जो हमारी एकमत अमली है वो आपके सामने आ जाएंगे। मैं हम नहीं चाह रहे, मेरे जाती ख्याल है पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि हम बीच में अपना लॉन्ग मार्च रोक के और लॉन्ग मार्च को वापस जो ना अपने शहरों में भेज दे। और अगर हम चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च भी पूरा हो जाए और आदाद शुमार तो हमारे पूरे अगर नहीं हुए पूरे तो 8 तारीख को पता चल जाएगा, इसमें मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर हमारे जो हमें तो 10 वोट चाहिए तो 10 से तो डबल ट्रिपल हमारे पास मौजूद है। अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो गया, नहीं हुआ तो क्या हो गया, मैं ये कानून के तालबिल कैसे से कह रहा हूँ सर, नहीं हुआ तो चौधरी बरादरान कह रहे हैं कि फिर इमरान खान जो है वो पहाड़ पे और हम नीचे धंस जाएंगे। देखिए चौधरी बरादरान, मैं क्या कहूंगा, उनकी वो हुकूमत की इत्यादी है, वो अपना फैसला नहीं सुना रहा है। और फिर आप कहते हैं उनके साथ है, तो भाई कैसे साथ है, साल के तौर पर पीपल्स पार्टी की जोरखान है, पीपल्स पार्टी के साथ है। और अगर कोई रुकन ये कहे कि मैं तो आजाद भी लड़ सकता हूँ तो फिर पीपल्स पार्टी की तो जरूरत नहीं है, मैं तो कम से कम ये बात नहीं कहूंगा। ठीक है आजाद जी शक्म, ठीक है मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, हम बात करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी इस हुकूमत की, जिसमें यूरोपीय यूनियन को एक जवाब दिया है कि ये सफारती आदाब के खिलाफ है कि आप एक मुरासला लिखकर हमारी हुकूमत को दबाव के साथ ये बताएं कि हमें क्या पोजीशन लेनी है और क्या कहना है, मुजम्मत करनी है या क्या करना है। पाकिस्तान ने वैसे अपना मौकिफ दिया, पाकिस्तान ने लड़ाई की मुजम्मत की है, पाकिस्तान ने डायलॉग के ऊपर जोर दिया है और पाकिस्तान ने पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए दुनिया को कहा है और ये कहा कि ये लड़ाई सफारती नाकामी है। पाकिस्तान ने ना रूस के खिलाफ बात की ना अमेरिका के खिलाफ, लेकिन अमेरिका को आपको पता है एक एटीट्यूड है हमेशा से, वो ये कहते हैं कि या तो आप हमारे साथ हैं तो या फिर आप हमारे दुश्मन हैं, वो तीसरा ऑप्शन आपके लिए छोड़ते नहीं है न्यूट्रलिटी का। एक ब्रेक फिर वापस आके हम बात करेंगे। वेलकम बैक नादिन, कैसर अहमद शेख साहब, फॉरेन इश्यूज के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया के बीच में। अमेरिका ने भी पाकिस्तान तक मैसेज पहुंचाया है और ये बताया कि यूक्रेन और रशिया के असरात
किस हद तक होंगे और पाकिस्तान के ऊपर किस हद तक होंगे। लाजमी बात है, आप जानते हैं कि अमेरिका यही चाहता है कि जिन 35 मुल्कों ने अपने आप को मजम्मत करने से रोक रखा है, खासतौर पर इस रीजन के अंदर सिर्फ एक मुल्क है नेपाल जिसने मगरबी कैंप का साथ दिया है, बाकी तमाम ममालिक ने अपने आप को बाहर रखा है रूस और अमेरिका की इस लड़ाई से। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ठीक है या इससे बेहतर हो सकती थी, आप ऑप्शन लेस हैं, हमें अब अपने आप को ऐसा रखना पड़ेगा? जी इमरान, आप खुद बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बड़े ज़हीन जर्नलिस्ट हैं। देखिए इस वक्त हम गो मगो के आलम में, हमारी जो क़यादत है ना, इमरान खान साहब पहले दिन से ही कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे और मेरा बिल्कुल मैं उससे पहले इक्तदार में नहीं रहूँगा। और फिर आप देखिए कि हमें 22 बार पाकिस्तान को 22 जाना पड़ा IMF पे, अभी भी हमने उनसे अभी नेगोशिएट किया है और लेकिन उसके बावजूद हमने अभी जो डिसीजंस किए हैं पेट्रोल की जो लेवी हमने उनसे तय की थी 4 रुपये हर माह बढ़ाएंगे, वो लेवी हमने नहीं बढ़ाई। यानी हम अभी तक IMF के चुंगल में हैं, हमारा रिजर्व जो रह गए हैं ना वो तकरीबन $16 अरब रह गए हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 2-2.5 महीने का रिजर्व है, हमारे इम्पोर्ट का रिजर्व है। अच्छा फिर अमेरिका, ये मैं हम मानता हूँ कि हमारी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा मुल्क है और हमारा मल्ल वकू है, लेकिन हमारी इकानमी नहीं आगे बढ़ सकी ना। देखिए मैं जिन दिनों में 73 में पहली बार कोरिया गया तो कोरिया और पाकिस्तान तकरीबन सेम स्टेज पर था, आज उनकी पर कैपिटल $27,000 इनकम है और हमारी $1,600 है। तो ये अमेरिका, ये आप सही कह रहे हैं कि साउथ एशिया में तमाम ममालिक ने ये न्यूट्रल रहे इस पर, जो रशिया के मामले में उन्होंने कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान की सूरत हाल इसमें कोई शक नहीं है कि यही पॉलिसी हम किसी एक तरफ रहे, पहले सीटों और सेंटों के मेम्बर रहे तो हमने क्या उससे हासिल किया। हम अफगानिस्तान में अमेरिका का हमने पूरा फुल फ्लेज उन्हीं की लड़ाई लड़ी तो हमें नुकसान हुआ, तो हमें सबको मिलकर। लेकिन ये ऐसे मामलात हैं, मैं ये कहता हूँ इमरान कि इसको ही तो थ्रेडबेयर असेंबली में डिस्कस करें, हम क्या, हम तो आपस में लड़ रहे हैं। मेरे मुझे ये बताइए इनका हम कहाँ रह गए, हम तो 60s में चौथी बड़ी इकानमी थी एशिया की, पाकिस्तान चाइना इंडिया और जापान के बाद चौथी बड़ी इकानमी थी, आज 20 इकानमीज में हम नहीं हैं। सर ये पॉलिसी ठीक है या कुछ और करेंगे? यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को लेटर लिखकर कहता है, यानी मुरासला लिखते हैं, 23 लोग उस पर साइन करते हैं सफारतकार, और वो दबाव डालते हैं कि आपको ये कहना है, यानी वो हमें डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान उनकी डिक्टेशन मानने की बजाय उनको ये कहता है कि ये सफारती आदाब नहीं है, अपना तरीकाकार ठीक करें। यानी ये पाकिस्तान को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान जिस तरह जी मैं ये अमेरिकन मफादात के खिलाफ जा रहा है और रशिया की मजम्मत नहीं कर रहा, क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इमरान देखिए मैं ये समझता हूँ कि यही बातें हैं जो हम कलेक्टिव विजडम से थ्रेड बेयर अपनी पार्लियामेंट में असम्बली में डिस्कस करें। मियां नवाज शरीफ साहब भी इन्हीं मामलों में थे ना, जब सऊदी अरेबिया ने हमें कहा कि आप हमारी यमन के मामले में फुल सपोर्ट करें, तो हमारी पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया लीडरशिप को। एक लीडर अपने तई ये सारे फैसले नहीं कर सकता, ये बड़ा डेलिकेट मैटर है। देखिए आपने कहा कोई एक साइड भी लेना, क्योंकि हमारी इकानमी मजबूत नहीं है, हमें फिर उनका दस्ते नगर होना है। आज FATF ने आज फिर हमें जून तक कहा कि आपने एक शिक पूरी नहीं, UAE को भी डाल दिया, UAE ने वोट नहीं दिया, उनको भी उड़ा दिया, उनको भी डाल दिया। तो अभी उनकी उनकी इकानमी में देखिए ना, हम उन्हीं के मोहताज हैं, हमें यूरोपियन यूनियन से GST+ लेना है, तो हमारी बहुत एक्सपोर्ट्स उनके साथ इन्वॉल्व है, उनसे कमिट है, हमारी इकानमी ऑलरेडी हमारी सूरत हाल जो है आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट कह रहे हैं कि ये ज्यादा करंट अकाउंट की जो ज्यादा हसास मामला है, इसको ज्यादा बेहतर डिस्कशन के साथ करना चाहिए। अब तो फिर इसका मतलब ये डिस्कशन क्यों नहीं करते आप, सबके साथ बैठे बैठ के बात करें। देखिए कैसर साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं और समझदार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है उसकी भी एक हिस्ट्री है। मैं सिर्फ क्विकली बता दूं, इन्होंने बड़ा अच्छा सारी बातें की, तो ये एशियन टाइगर से एशियन कैट बनाने वाली कोई और पार्टी तो थी नहीं, आप दोनों की पार्टीज थी जो कभी कारगिल के लिए डिक्टेशन लेने क्लिंटन के पास चले जाते थे, तो कभी मुंबई अटैक्स मानते रहे। ये सारा कुछ तो आप लोगों के अदवार में हुआ है कि खारजा पॉलिसी सिर्फ जी सबसे पहले पाकिस्तान, किधर था सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले तो आपके मकान, वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट सबसे पहले, तो सरे महल सबसे पहले, जो आपकी वो
इल गॉटन मनी है वो छुपाते रहे, तो पॉलिसी कहाँ फ्री हुई है। देखिए पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने आते ही सबसे पहले कहा था कि हम सिर्फ पीस में सबका साथ देंगे, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी फौज किसी की किराए की फौज नहीं बनेगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है वेस्ट ब्लॉक आपको कह रहा है कि ये करें और ये ना करें। पर वेस्ट ब्लॉक खुद जाके रशिया से उन्होंने अपनी गैस के लिए ईयू वालों ने कोई कनेक्शन खत्म नहीं किए और लड़ाई में अपने बूट्स को लेकर भी नहीं जा रहे। अभी रियलाइनमेंट हो रही है इमरान, मैं सिर्फ ये समझती हूँ, मेरी ये प्रेडिक्शन है, मैंने भी कुछ ना कुछ फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ा हुआ है, ये रियलाइनमेंट हो रही है, बहुत जल्द वेस्ट भी एक्सपोज होगा और हमें इनसे इन चीजों से एब्सटेन करने का ही फायदा है लॉन्ग टर्म में। वक्त हो गया नाज़रीन, मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।